तो सब लोग हमारे कैमरे को उठा के वजन चेक कर रहे हैं सारे लोग, बट व्लॉगर्स लोगों को आदत रहती है, कोई टेंशन नहीं है, 10-15 सेकंड उठा ही सकते हैं। सबसे भारी कैमरा This is perks of having a great husband. मैं सुबह सुबह जाके जिम भी गया, नाश्ता भी किया और शाइनिस के लिए नाश्ता बेड पे लेके आया। चलो दे नहीं रहे थे बट मैंने कन्विंस किया। प्रिंसेस मैं 2 बजे मतलब 1 घंटे में सब क्रिएटर्स लोग का लंच है, तो मैं अपना कैमरा अभी से बाहर रख देता हूँ ताकि वो जो फॉग अप होगा बाहर जाके वो अभी हो जाए सब ताप जाम। ये देखो ये तो रख दूंगा और मिलते हैं। अभी देखो आज हमारा चेकआउट था, मतलब मैंने आज तक के लिए रूम लिया था बिकॉज आज हम लोग को एग्जिबिट की तरफ से रूम मिल रहा था, तो मुझे अभी लोगों को बोलना है कि देखो भाई हमारा चेकआउट नहीं है, हमारा जो एग्जिबिट रूम है उसमें हमको ट्रांसफर कर दो। वैसे भी मुझे अपग्रेड तो दिया ही लोगों ने इधर। तो ये इस होटल का जिम है, यूजली आपको रिसोर्ट होटल में ना ऐसे सब क्लासिक जिम मिलते हैं और ये स्मेल आता है यू नो दैट ओल्ड 90s का जिम रेट्रो, मतलब मजा आती है ऐसे जिम में वर्कआउट करने के लिए, पंप अलग आता है। बैकयार्ड जिम, हाँ बैकयार्ड जिम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो श्रवण ने मुझे बोला कि ये मशीन ट्राई कर लो, मैंने अपनी जिंदगी में ये मशीन कभी ट्राई नहीं किया, मैं अभी जिम करने को नहीं आया, टाइम पर श्रवण को मिलना आया था एंड ये मैंने मशीन देखी, मुझे पता नहीं यूज़ कैसे करते, मुझे उसने बताया ऐसे करते हैं ये, पता है अपन वो अमेरिकन एड्स देखते हैं टेली शॉपिंग एड्स, तो गाइस पाइए आपका 6 पैक्स एब्स इन 10 डेज और शुड आई से इन 48 आवर्स। This is okay. मुझे इधर फील आ रहा है पर मुझे कुछ खास नहीं लगा ये, मतलब आई डोंट डू एब्स लाइक एवरी डे, मतलब हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार एब्स कर दो, बट दिस इज जस्ट ऑल राइट। ये मशीन दिस इज द मेन गेम, द मेन गेम। और पता है रोलर हाँ एब रोलर, रोलर में तो भाई क्रैम्प्स आते हैं। अगर आपको है ना तो आपको एब्स नहीं मारना चाहिए, एब्स मारो जब इतना बॉडी फैट आ जाए, इतना बॉडी फैट में मारना सही नहीं है वरना का ये पार्ट मोटा लगेगा, बिकॉज भी मसल है ना बढ़ता है। ये तो मजाक में कर दिया, वर्कआउट का बिल्कुल प्लान नहीं था, वार्म अप हो गया, 2-4 शोल्डर सेट और 2-4 बैक के सेट मार दिए, मतलब जिम आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाऊँगा। चलो भाई अपन तो फुल रेडी हो गए, सिर्फ लंच पे जाना है, नॉर्मल कपड़े पहन लिए, लंच के बाद अपना ये जो सूट है इसको आयरन करना पड़ेगा क्योंकि सूट जो है एक नंबर, आप देख के खुश हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा। और स्काई भी जो है अच्छे से नैप वैप लेके रेडी हो गई, किट्टू रेडी टू मीट ऑल द इन्फ्लुएंजा। All of us are very excited. कैसे भी नहीं मुझे स्किन लेना पड़ेगा कैसे भी करके। आपको। Did you rest well? What do you like more, Sky? Sky like the skin. Oh, like this one. Oh, confused. Give me the smile. I go. Okay. You can't touch. Take. She's going for the gear. Samal ke samal. She's going for the gear. You want to touch it? Take. Your gear is blessed now. No, not the wire. I can't believe I'm with these guys, honestly speaking. मतलब श्रवण ये ब्लॉगर लोगों से दूर रहना, सब बोलेंगे मेरे लिए रील बनाओ, मेरे लिए रील बनाओ। देखो सारे इधर ब्लॉगर बैठे हुए हैं, इनको जरूरत नहीं है, ये तो बाइक चलाते हैं। निखिल भाई का पेटेंट है हम पे। मजाक करो भाई, सब ऐसे अच्छा कंटेंट दो, अच्छा लगेगा। इसको मैं दे देता हूँ पहले अपनी बीवी को, ले। जब मैं एयरटेल के इवेंट में गया था तो मैं बोल रहा था अभी 2 गैंग बन गए, सोनी और आईफोन। आईफोन से ऐसी चीज शूट कर सकते जो अनफॉर्चुनेटली इस 3.5 किलो के कैमरे से नहीं कर सकते। सोनी की बिरादरी है वो भी आईफोन पे शिफ्ट हो रही है, बट एक है ईमानदार और मैं, हम लोग सोनी भक्त है। हाँ। सोनी भक्त हम शिफ्ट नहीं होते भाई, शुरुआत से इतने स्ट्रॉन्ग भक्त बीजेपी के नहीं होते जितने हम सोनी के हैं। हम लोग सेकुलर बन गए, सेकुलर बन गए लोग ने चले गए आईफोन। बोलते हैं बाहर शूट नहीं करते हवा आएगी, क्या होता ना वो मिलियन व्यूज के बाद ना फिर ऐसा लगता है छोड़ो यार पब्लिक तो देखेगी मैं मेहनत नहीं करूंगा। मेरे मन में भी आता है कभी कभी कि भाई अब व्यूज तो आ ही रहे हैं, आपके टेंशन लेनी, अब मोबाइल से बना लेते हैं बस, वो नया आईफोन अनबॉक्सिंग भी हो जाती है गाइस। देखो आपके ब्लॉग में चक्कर में मैंने आईफोन गवा दिया, एक लाइक तो बनता है इसके लिए ताकि और आईफोन आ जाए। फॉर्च्यूनर का टायर फटा, BMW की लाइट टूटी, तुम्हारा क्या गया भाई लद्दाख में कावासाकी। भाई साहब मजा आ रहा है सब लोगों को मिलके, बिकॉज लास्ट टाइम एयरटेल के इवेंट में इतने सारे लोग नहीं थे, अभी अलग लोग हैं। शानिस ने बोला है हेलो मलाडियंस, आई एम अ मलाडियंस, कुछ नया वर्ड प्राउड मलाडियंस। मुंबई कर सुना है, मलाडियंस नहीं सुना मैंने। तो मैंने एक वीडियो देखा था विराज का इस डिस्कशन से ट्रैफिक के बारे में, और मैंने शानिस को बोला था देख शानिस
आज तो मेरी कुर्बानी समझ में आई, छह साल ट्रैफिक में फंसा मैं, एक साल आई लिव इन बोरिवली एंड सो आई टेल यू वेरी फनी स्टोरी. मेरे भाई को फ्रैक्चर हो गया और बैंड्रा में उसको फ्रैक्चर हुआ, तो लीलावती में थोड़ा एडमिट हो गया था और मैं बोरिवली से निकला. हॉस्पिटल जाते ठीक हो गया? नहीं नहीं, मतलब वैसे उसको कुछ तो दिखाने का कुछ कुछ करके, तो बोरिवली से निकला, मुझे डेढ़ दो घंटा दिखाया और एक घंटा से मलाड दिखाया, तो मैंने मेरे भाई को बोला खुद कर ले. बाय गाइस, मिलते हैं इवेंट में, एकदम तहलका मचाते हैं. बाय बाय. अभी तो मैं इतना फोटो ले नहीं पाया, इवेंट में लेते. अच्छा, सूट वूट में? हाँ रुका था मैं भी, वही चीज रुका हूँ. सब अच्छा सूट लेके आए. आज का इवेंट तो अच्छी अच्छा यार, 100 लोग, 100 इन्फ्लुएंसर्स है, तो बहुत लोग नहीं भी आ पाए बिकॉज एक्चुअली लास्ट मोमेंट में बताया था तो करके सब लोग का प्री प्लान था, वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन जो लोग आए हैं वो हैं और मजा करेंगे. शानिस कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा. ऐसे तो हम इवेंट में जाते ही नहीं, जब जाते थोड़ा सा कॉन्शियस लगता है ना. कॉन्शियस नहीं यार, गर्मी के दिमाग खराब हो गया. बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलके, इतना अच्छा लगा. बहुत वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और मौसम भी बदल गया. गाइस ये तो पूरे काले काले बादल लग गए, मतलब ठंडा हो गया मौसम, हवा रही. गाइस ये तो 100% बारिश गिरने वाली है. वो स्प्रिंग फॉर रेन, बट अभी थोड़ा हालत खराब हो जाएगी बारिश गिर गई तो. मुझे पता था इतना भार रहूँगा तो मैं हेयर स्प्रे नहीं मारता. हेयर स्प्रे के तो हवा आती ना पूरी बालों की लग जाती, लेकिन सरप्राइजिंगली मेरे बाल सही, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ना, पसीना इतना आया था ना, और पसीने के ऊपर मैंने आज सीखा कि हेयर स्प्रे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग में आया कि जंपिंग शॉट लेते फ्लाइंग किक वाला, तो मैंने चलो रीज के लिए कुछ खट 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 ऐसा कुछ आएगा तो अच्छा भी है. ये देखो भाई, यहाँ पर और काले बादल आ गए और हल्का हल्का, बहुत ही हल्का पानी गिर रहा है. ले कैच कर. शानिस रूम में चली गई, बोलती है बैग दे. ले ना, कैच करना. अरे कभी तो कैच करना सीख. शानिस कम ऑन, रेडी? अरे तू कैच करना शानिस. ए निकिता तू कैच कर. कोई पॉइंटेड चीज नहीं है. रेडी रेडी. लवली. क्या नाटक है यार तुम लोगों को. मरीन ड्राइव भी ना पता नहीं, यहाँ बैठ जाते भाई. समझ गया, पानी कभी भी उड़ता है. हम लोग वो जगह जा रहे हैं जो हम लोग बिल्कुल सोच भी नहीं थे जाने का, वो जगह पे, वहाँ पे, वहाँ पे वेव्स का पानी उड़ रहा है और अच्छा खासा आता है. ये बोलते हैं केजीएफ शॉट लेते. बोला भाई क्या केजीएफ शॉट लेते हैं, वो आधा आएगा आधा नहीं आएगा, इससे अच्छा तो नकली वेव चिपका देना. मेरे को लगा आया, हम दोनों ने कैमरा ऐसे कर लिया. सॉलिड जगह दिख गई है बॉस. हम लोग इससे आगे कोई नहीं आ रहा है और मैंने देखा वहाँ पर और पूरा आगे तक है. मेरा यहाँ से सेफ रास्ता है, वहाँ जाके पत्थर पर एक शॉट लेते. और ये चल के जा रहा था, ये घर दिख गया. रात में अगर यहाँ पर आके बैठ जाओ भाई तो हालत थोड़ी टाइट हो जाए. तो देखो कौन सा रास्ता है, कट के लिए रास्ता बनाया, बट आई थिंक दूसरी होटल की प्रॉपर्टी है नहीं, अपने को नहीं पता. अपन आ गए भाई, ट्रेसपासिंग नहीं कर रहा हूँ मैं. एकदम क्लियर जगह है और ये एक्चुअल में किसी होटल की प्रॉपर्टी है. किसी ने कुछ बोला नहीं बट सिक्योरिटी आके देख रही थी. मैं बोला जा रहे जा रहे जा रहे. हाँ ताज की प्रॉपर्टी है, बाजू में ही ताज है. तो गाइस फॉल्स अलार्म, बादल गए, धूप आ गई, ये देखो एकदम ब्लू हो गया ऊपर. और यस गर्मी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बट कोई नहीं, ऐसा मौसम बेटर है बारिश से. रूम में आ गए और अभी टाइम है रेडी होने का, बिकॉज 45 मिनट्स में रूम से निकलना है. निकिता और शानिस तो रेडी हो गए लेकिन मुझे रेडी होना है. तो मैंने उस दिन जब टक्सीडो का ट्रायल लिया था, बटन वटन लगे नहीं थे, पर अभी विवेक गुप्ता ने जो हमारे टक्सीडो बनाया था मुंबई का निखिल अवार्ड शो का टक्सीडो, वो मैं अनबॉक्स कर रहा था. आई एम सो एक्साइटेड. तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अभी, नहा के टक्सीडो पहन के. यूजुअली मैं कपड़े बाथरूम से पहन के आता हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ. थोड़ा एक फर्स्ट लुक देते हैं, जैसे तो आप देख ही लोगे. एंड फुल जेम्स बॉन्ड वाला फीलिंग आ रही है. और ये टक्सीडो देख के आपको क्या आता है, आपने कौन से सेलिब्रिटी को ये पहने हुए देखा है? अगर याद आता है जरूर नीचे कमेंट कर देना, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं पहनूंगा तब देख लेना बॉस, या फिर इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड की होगी वो देख लेना. एंड इफ यू नॉट फॉलोइंग इंस्टाग्राम, डू फॉलो इंस्टाग्राम @NHHL. अभी तो रील्स भी बना रहे हैं. दिस इज हैवी मैन. पूरा ऑलमोस्ट रेडी हूँ मैं, शर्ट और पैंट पहन लिए. अभी सिर्फ वेस्ट कोट और जैकेट पहन के, जूते पहन के निकल जाना है. आधा घंटा है हमारे पास, गाय थोड़ा सो रही है तो आधे घंटे में आराम से निकलेंगे. शो अरे एकदम रेट्रो, निकिता भी रेडी, स्काई भी रेडी. और अभी मे आई टेक योर ऑर्डर प्लीज. अभी वेस्ट कोट और जैकेट आएगा. शायद वेस्ट कोट पहन के चलूँ कि क्या करूँ, जैकेट भी पहनूँ? गर्म है यार बाहर बहुत, दिखने में भी हॉट है, फीलिंग में भी हॉट है. चलो पहनते और फिर निकलते. किट्टू हाउ डिड आई लुकिंग, टेल मी. रॉक्स कर रहा. So, this is how I'm looking. So this is how I'm looking. Shanice, please come here. Bro, हम कैसे दिख रहे हैं एक साथ? ये देखो, हम ऐसे लग रहे हैं अच्छे से. हमने ने ब्लैक पहना है, Sky ने व्हाइट पहना है. Actually, Sky was supposed to wear yellow, लेकिन वो ड्रेस थोड़ी बड़ी हो गई, वो एक्चुअली 6-7 महीने के लिए, तो काफ़ी लूज आ रही थी. व्हाइट परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि ये भी इधर व्हाइट है मेरा, तो थोड़ा बहुत ऐसा आ जाएगा. मुझे लग रहा था मैं लेट हूँ, लेकिन नहीं, मैंने अभी देखा सबकी खिड़की से दिख रहा था, सब रेडी हो रहे थे.
तो मैं बोला चलो भाई आई एम नॉट लेट बिकॉज यू नो उनको टाइम का एक फोबिया है. हो गया थैंक यू लेते रहे. भाई साहब बहुत गर्म हो रहा है लेकिन एक्साइटेड हूँ बहुत. एक्चुअली मैं सुबह 6 बजे उठ गया था और अपन जिम भी चले गए थे और कैसे ना वो हीट में थोड़ा ऐसा लगता है पूरे दिन अपन भागम दौड़ी कर रहे थे. वैसे भी तेरा एक वीडियो क्या बोलते हैं एक अवार्ड जीता तो पक्का है ना लेकिन उसे लगता तो है. आई मीन आई डोंट नो बट मिल गया तो अच्छी बात है. लेकिन नहीं मिला तो भी सब लोगों से देख भाई लोगों ने अपने को ऑलरेडी अवार्ड दे दिया. हां वो सच है. इतनी इज्जत दी ना सब जो भी मिल रहे क्रिएटर्स आके बहुत इज्जत देते हैं. बहुत स्वीट बिकॉज अपन थोड़े पुराने चावल है ना तो लोग बहुत पहले से देख रहे हैं सो द रिस्पेक्ट दे गिव इज लाइक दैट्स एन अवार्ड फॉर मी बस. हम लोग होटल पहुंच चुके एज यूजुअल. हम जल्दी हैं लेट होके भी जल्दी हैं और शैनिस बोल रही थी निखिल यार तू बहुत पंचुअल है. मतलब इन अ गुड वे बैड वे बोलती इन अ वेरी गुड वे बट कभी कभी डिले कर देना चाहिए. मैंने बोला अब पंचुअलिटी की आदत होती है और आदत पड़ गई कुछ नहीं कर सकते. करेक्ट. और अपने साथ भी घसीटती हो पंचुअल होने के लिए से. इन अ गुड वे ना यार जब 6 बजे बोला था हम 6:45 को आए तो डोंट यू थिंक दिस इज लेट. बहुत खूबसूरत एंट्री हुई फोटोज निकाले भी अंदर जा रहे आते सब हम थोड़ा वीडियो और फोटोज निकाल रहे हैं. मैंने बोला यही टाइम है स्काई जागी हुई है निकिता ने ले लिया सारे लोग आ गए हैं गुरु जी बोलो सलीम बोलो मतलब सारे सारे आ गए हैं तो पहले हम अपना काम निपटा लेंगे उसके बाद थक जाएंगे फिर जाके लोगों को मिलेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ सब हम जैसे मिडिल क्लास यूट्यूबर सूट पहन के आए हैं लेकिन जो एक्चुअल में बिग शॉट आदमी हुआ ऐसे आदमी अपने वो मीम्स देखे होंगे पुअर मिडिल क्लास एंड रिच. रिच लोग ऐसे होते हैं. ये भाई एक टी शर्ट कितने की पता है तो अभी मालूम पड़ा कि वो इनविटेशन में लिखा था स्ट्रिक्टली नो सूट. अभी हमने पहन लिया लेकिन स्ट्रिक्टली सेमी कैजुअल मतलब वो होता ना वो नॉर्मल स्मार्ट कैजुअल एंड नो कैजुअल आल्सो नो दिस क्या करें. बट मेरे अलावा भाई देखो चाहे जो मर्जी हो जाए हमारा तो हम जो कर सकते हैं ना. अलावा किसी ने टक्सीडो पहना है लुकिंग वेरी नाइस. अच्छा और गुलाब भी है इंस्टेंट मेरा भी कुछ तो था इधर लोगों ने बोल बोल के सूट उतरवा दिया. देखो वो उतरवा दिया मेरे को बोल बोल. अरे मैंने तो मतलब मैं नहीं उतरवा भाई एकदम शानदार लग रहा भाई. एक चीज मैंने देखी इन लोगों के हाथ में कैमरा वैमरा देख के ये सूट पे ना कैमरा अच्छा नहीं लगता है जचता नहीं है अजीब ऐसा बट ठीक है काम. मैं तो शादी में पकड़ा था ऐसा पंडित अपना काम करो मेरे को काम मेरे को भी अपना काम करना है. आज सूट का पता था कि ब्लॉग में देख के मालूम पड़ा. आज पता था आज मेरे को लग रहा है मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ. नहीं भाई यही कपड़े पहनने थे हमने ज्यादा तामझाम पहन लिया एक्चुअली. लेकिन जो भी पेपर पे ये लिखा था कि ये पहनना है हम ये पहन के आ गए. पहले ये था कि आउटडोर इवेंट होने वाला है बादल लोग ने वार्न कर दिया है ना सारे सूट वाले बच गए. अरे भाई सूट पे आउटडोर इवेंट सब खोल डालते हैं तो मुझे लग रहा है इसके लिए बोला था बिकॉज आउटडोर इवेंट है सूट पहनेंगे तो पानी पानी हो जाएगा तो अच्छा हो गया. बट ये थंडरस्टॉर्म का कुछ वार्निंग नहीं. लेकिन सारा जो अटेंशन ना वो स्काई ने और रशि ने उन लोगों ने घेर के रखा हुआ है बिकॉज बच्चे लोग जो है पूरा अटेंशन कैप्चर कर लेते हैं बच्चे लोग है ना बाबू. अरे एकदम उठाओ तो टेक्निकल गुरु जी को हमारी कैमरे की टेक्निकलिटी समझ में नहीं आई. आ सकती है क्या उसे में बहुत अच्छी फोटो खींची बोलते इतनी अच्छी कैमरा फोटो कहाँ से आ गई. ये चाइना वाला है. कौन सा चाइना वाला सब सब आईफोन चाइना वाला है रशिया वाला है. अभी बच्चों को मिलके अलग ही फील होता है. पहले बच्चों को मिलके वो फील नहीं आता था अभी आता है. अभी बहुत ज्यादा फील आता है बच्चों को देख अलग तरीके से. अच्छा वो बीबी के साथ आया. कोई मुझे तो दो यार अरे जालिमान पिंक जैकेट ऑलराइट. वो टीचर भी होती लेजी स्टूडेंट को खड़ा करती है करण ने वही किया. अभी मैंने अपना वो खोल लिया है बहुत देर से बैठे हैं मैं और शैनिस स्काई के बारे में बात कर रहे हैं. शैनिस को मिला लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड. स्प्रेडिंग अक्रॉस लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर फीमेल विनर. यू वांट टू सी समथिंग मैन शॉट हियर ऑन स्टेज. कांग्रेचुलेशंस थैंक यू. गाइस अवार्ड फंक्शन खत्म होता है
हम दोनों को अच्छा अच्छा अवार्ड मिला, ये मिला चैनल को मिला लाइफस्टाइल फीमेल और मुझको मिला मुझको मिला इन्फ्लुएंसर एक्स अवार्ड। ये अवार्ड एक्चुअली आप लोगों का है, आप लोग हैं वैसे हम बनते हैं जो भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड स्काई, थैंक यू टू यू टू फॉर द ग्रेट इवेंट। थक गया बहुत मैं बिकॉज मैं स्काई के साथ बाहर था। कमाल की बात देखो, जब शानिस को अवार्ड मिला तब मैं बाहर था, जब मेरा नाम है तब भी बाहर था। अब क्या है बिकॉज स्काई को मेरी आदत हो गई अभी तो मुझे जाना पड़ता है, इतना टाइम छोड़ नहीं सकता उसको। और निकिता को बिग शाउट आउट, निकिता ने 2.5 आवर्स स्काई को पकड़ के रखा था। बिग शाउट आउट, थैंक यू सो मच निकिता, मासी ऑफ द वर्ल्ड, द बेस्ट मासी ऑफ द ईयर अवार्ड शानिस, सॉरी निकिता श्रेष्ठ। आज हमारे होस्ट करण की एनर्जी जो थी ना भाई, बता नहीं सकता मैं। मतलब अगर रणवीर सिंह होता ना वो भी ऐसा बोलता भाई क्या हो गया भाई, मेरे से मेरे को टक्कर देने के लिए आ गया। द मोस्ट एनर्जेटिक मैन ऑफ दिस इवेंट दिस गाय, फुल एनर्जी। मतलब पूरा इवेंट कितना, तीन साढ़े तीन घंटे की एनर्जी होल्ड करना भाई बहुत डिफिकल्ट है। बट भाई तुम जैसे लोगों को देखता हो, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बेबी, तुमको देखता हो, लगता कि फैमिली के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ कि तुम लोग इतने अच्छे हो यार, तो तुम्हारी वजह से हम लोगों को ये एनर्जी आता है। आई लव यू गाइस, नचवा दिया स्टेज पे यार। क्या एनर्जी था यार इसका भी यार, थैंक यू बाय। तो अभी स्काई को नींद आ रही है और थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे। और स्काई थोड़ी थक गई बिकॉज जितना साउंड रहता है तो थक जाता ना इंसान, हम थक जाते तो बच्चों थके गई। तो थैंक गॉड गाड़ियाँ खड़ी थी लेक्सस ES 300, उसमें निकिता और स्काई को पीछे बिठा दिया। दिस कंफर्टेबल, या इट इज कंफर्टेबल। सो इनसाइड द न्यू लेक्सस ईवी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी सी क्लॉक दी है, ये एकदम लग्जरी गाड़ी में रहती है और ये गाड़ी के अंदर फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ मैं, क्लासी है बॉस। और लेक्सस का नाम सुन के अभी स्काई का मूड थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन आपको रील जो है वो बहुत पसंद आएगा, फिर आ गया होगा, आई हैव नो आइडिया। अभी होटल जा रहे हैं, बहुत गर्मी। क्यूटी क्या गिगल्स, गुड गुड गुड।